कि महाराणा प्रताप का निर्वाण दिवस जो है वो आज है, उसी को लेकर यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। करीब एक साल पहले यहाँ पे एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे घोषणा की थी कि महाराणा प्रताप के निर्वाण दिवस के अवसर पे जी ग्रुप की ओर से यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और उसी को लेकर ये आज आयोजन है। और अभी चावंड से एक शोभा यात्रा जो है चावंड गांव से निकल के यहाँ पे पहुंची है, महाराणा प्रताप की निर्माण स्थली पे यहाँ पहुंची है, जहाँ पे पुष्पांजलि और पूजन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है। राज्यसभा सांसद जो अमर सिंह है वो यहाँ पे उन्होंने महाराणा प्रताप को पुष्प अर्पित किए। उसके अलावा क्षत्रिय समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा जो निर्माण स्मारक समिति जो है महाराणा प्रताप की, वहाँ के पदाधिकारी जो है वो विधिवत यहाँ पे पूजा विधि विधान से पूजन जो है वो किया जा रहा है। और कुछ देर बाद यहाँ पे भव्य जो है भजन संध्या का जो है वो आयोजन जो है वो शुरू होगा। और उसके बाद करीब जी रीजनल के सीईओ जगदीश चंद्रा जी जो है वो यहाँ पे करीब 12 बजे बाद यहाँ पे पहुंचेंगे और महाराणा प्रताप की समाधि स्थली पे पुष्प अर्पित करने के बाद समारोह में जो है वो शिरकत करेंगे। करीब 2 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पे जो है वो आयोजित होगा। जी बिल्कुल अविनाश, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आयोजन ये पूरा जिस तरीके से भव्य तरीके से हो रहा है, भजन संध्या का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और जी राजस्थान न्यूज इस पूरे आयोजन का पार्टनर है। वहीं जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके पहुंचने को लेकर क्या जानकारी और भजन संध्या के पूरे कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर क्या जानकारी, कब तक कार्यक्रम शुरू होगा? जी बिल्कुल, अभी ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम जो है वो लगभग पूर्ण जो है वो हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे लहरू दास वैष्णव जो है उनकी भजन का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता के ऊपर जो गीत जो बने हुए लोकगीत उनका प्रस्तुति होगी। उसके अलावा जो लोकगीतों का जो है वो आयोजन यहाँ पे होगा। बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पे पहुंचे हैं समारोह में शिरकत करने, क्योंकि महाराणा प्रताप की वीरता को नमन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और लोगों की आस्था है महाराणा प्रताप के प्रति। तो वो ये भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, कितनी आस्था जो है महाराणा प्रताप के प्रति यहाँ के लोगों में। पूरे उदयपुर के कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इस आयोजन को जो है वो सफल बनाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप की समाधि स्थल पे पुष्पांजलि कार्यक्रम जो है वो पूर्ण हो चुका है और यहाँ पे जयकारे जो है वो लग रहे हैं। मैं आपको एक पांडाल का दृश्य कैमरामैन प्रकाश को कहूंगा वो दिखाए, एक यहाँ पे बड़ा पांडाल बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है वो भजन का कार्यक्रम स्वरांजलि जो है उसका जो है आयोजन किया जाएगा और करीब 2 बजे तक ये स्वरांजलि कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा। और उसके बाद एक से कहीं जो भजनों की प्रस्तुति होगी, उसके अलावा महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का जो है वो गायन यहाँ पे इस मंच से होगा। महाराणा प्रताप की वीरता का गायन यहाँ पे होगा। जी इनके जो चेयरमैन है सुभाष चंद्रा जी की पहल पे यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है। हर वर्ष यहाँ पे समाधि स्तर पे कार्यक्रम होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिंदू के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी की पहल के बाद ये आयोजन हो रहा है। उसके साक्षी बनने जी रीजनल जो सीईओ जगदीश चंद्र जी है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। करीब 12:15 बजे यहाँ पे पहुंचने का कार्यक्रम है। मैं आपको पांडाल का दृश्य बता दूं, यहाँ पे लोगों का जुटना जो है वो शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये पांडाल जो है बढ़ने लगा है। काफी संख्या में यहाँ पे स्कूल के छात्र जो है वो यहाँ पे आए हैं और इसी मंच से महाराणा प्रताप की वीरता की जो शौर्य गाथा है उसको गाया जाएगा, उनको जन जन तक पहुँचाया जाएगा। जी बिल्कुल अविनाश, और ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम हो रहा है वो कितने भव्य तरीके से है। अविनाश, पिछले साल भी हमने यहाँ पर तस्वीर देखी थी जब ये पूरा आयोजन हुआ था और जब सुभाष चंद्रा यहाँ पर पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें कुछ और थी और आज ये पूरा जो स्थल है उसे अलग तरीके से विकसित किया गया है। पिछले साल हमने तस्वीरें देखी थी और आज की जो तस्वीरें नजर आ रही है, काफी कुछ अंतर इनमें नजर आ रहा है, काफी डेवलपमेंट वहां पर हुआ है, काफी बेहतर तरीके से इस पूरे क्षेत्र को, उस पूरी जगह को विकसित भी किया गया है। गौरव और गर्व का दिन है। बिल्कुल, महाराणा प्रताप का ये जो निर्माण स्थली जो है वो लंबे समय से उपेक्षा का जो है वो स्वीकारती है। उसके बाद क्योंकि सांसद अमर सिंह जो है
उन्होंने बैंक की थी और एसएल ग्रुप के चेयरमैन जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं उन तक ये बात पहुंचाई और उन्होंने दो दिन पहले यहाँ पे पहुंच गए और उन्होंने कहा भामाशाह के रूप में डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो है वो आगे आए हैं और अब ये निर्माण स्थली जो है उसकी जो है अब स्थिति जो है वो बदलेगी, यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो है वो होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक शुरुआत हुई है सामाजिक सरोकारिता के रूप में अगर देखा जाए महाराणा प्रताप की, ये स्थली को विकास के रूप में इसको देखा जा सकता है। एक नई गंगा जो है वो यहाँ पे निकली है तो वो धारा जो बहेगी और ये पूरी स्थली जो है उसका पूर्ण रूप से जो है वो विकास हो पाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम तस्वीरों